सो हाय दोस्तों, मैं विपिन कुमार का सब स्वागत करता हूँ नई वीडियो पे। बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आया हूँ एक रेफ्रिजरेटर के बारे में। बहुत सारे लोगों का होता है बड़े फ्रिज लेने का होता है कि बड़े फ्रिज लेना चाहिए, छोटे फ्रिज लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अलग अलग कैपेसिटी होता है, पर बड़े फ्रिज में जाएंगे अगर 400 लीटर के ऊपर से जाते हैं तो हमें साइड बाई साइड देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस टाइप के मॉडल देखते हैं जो ऐसे दरवाजा खुलता है और इस टाइप से सामने से खुलता दरवाजा, जिसको साइड बाई साइड बोलते हैं। बट लोगों का कहना होता है कि साइड बाई साइड में जगह कम मिल पाती है, उसके लिए डबल डोर होना चाहिए। तो 400-500 लीटर के ऊपर जाते हैं तो उनको क्या ना साइड बाई साइड ही देखने को मिलता है, बट डबल डोर नहीं मिलता है। और डबल डोर अगर मिलता है तो उनमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा एक रेफ्रिजरेटर जो कंपनी बहुत ही टॉप आती है और एक रेफ्रिजरेटर को बनाती है कुछ यूनिक। ये मेरे पास है बॉस का ब्लैक कलर का, इसके बारे में आपको डेमो बताने वाला हूँ। बहुत ही खास मॉडल है ये, और ये इसका कैपेसिटी देखेंगे आप तो 560 लीटर 559 लीटर मीन्स एक लीटर का मैं 60 होने में माइन 559 लीटर का रहेगा। सो गाइस कुछ देख सकते हैं लुक वाइज, पूरा ऑल ब्लैक दिया हुआ है और ग्लास पैटर्न आएगा, यहाँ से ग्लास कोटिंग किया गया है। देखने में एकदम जबरदस्त लुक लगता है देखने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बॉस लिखा दिखेगा जो उसका लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा देखने के लिए। ये एक यूनिक फीचर है। अगर मैं नीचे की बात करूँ, इसमें क्या है ना बॉल माउंट, मतलब ये हमारा मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको फ्रीजर जोन मिल जाएगा और ऊपर आपको इसमें मिल जाएगा फ्रिज, ऊपर का जो ऑप्शन रहेगा ये फ्रिज आपको देखने मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का खोलेंगे, बहुत ही लार्ज कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से उन्होंने दिया हुआ एक अलग टाइप का बास्केट जो काफ़ी स्टोरेज कवर करता है। आप अगर डोर की बात करें, डोर में काफ़ी चीज़ें ऐड करके रखी हुई है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रैक दी हुई है। आप यहाँ पर पानी की बोतल स्टोरेज कर सकते हैं, बहुत सारा सामान स्टोरेज कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें उसकी यूनिकिटी दी हुई है। जैसे ये कुछ पॉइंट है, इसको मैं बाद में बताऊँगा क्या है, इसके वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, इसके बारे में बताऊँगा लास्ट तक क्या है चीज़। अगर अंदर की बात करें, यहाँ पर 1, 2, 3 रैक दिया हुआ है जो काफ़ी टफन ग्लास के साथ बनाए जाते हैं, जो आप 160 या 175 केजी तक कुछ बजट रखते हो तो कवर करता है, टूटेगा नहीं, कंपनी का ये कहना है। सो गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ पर दो पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसकी बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी आपको देखने को मिलेंगी बॉस कंपनी में। जैसे ये इसका यूज क्या रहेगा, आप कहीं भी इसको स्टोरेज करेंगे, पानी की जो बोतल होंगी या फिर बियर्स की बोतल होंगी या वाइन होंगी, तो यहाँ पर स्टोरेज आप कर सकते हैं। इससे क्या ना बाहर गिरेंगे नहीं, आप कोई बोतल रखते हैं तो इधर उधर गिर जाती, तो ये कवर करेगा। ऊपर देखेंगे तो चिल्ड्रेंस बॉक्स दिया हुआ है, आप इसमें कोई सेपरेट बॉक्स रखते हैं, लाइक आपकी चीज़ वगैरह है, पनीर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ है, स्टोरेज यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी रैक की बात करेंगे, 1, 2, 3, 4 रैक दिया हुआ है, और इसके 2 सेपरेट बॉक्स दिया हुआ है जो अलग अलग आप अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप पे खोल सकते हो। अगर इसके टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ फीस मटन जो भी टेम्परेचर आपको सेट करना है, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर सिंबल भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सेट कर सकते हैं जो भी जैसा आपको टेम्परेचर चाहिए, ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर सेट हो जाता है। ये इसका खास यूनिक फीचर है। अगर कूलिंग की बात करें तो बॉस कंपनी ने हीटर है जो गैस या फिर कूलिंग के मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, बहुत ही सॉलिड कूलिंग मिलती है। आप इसमें कोई भी आप सामान रखते हो, कोई भी चीज़ रखते हो, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, वो चीज़ ख़राब नहीं होने देता है। ये कुछ क्वालिटी बनाता है बॉस कंपनी का। सो गाइस मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ इस चीज़, उसमें हर चीज़ मैंने यूज करके देखी हुई है, बहुत सारे रिव्यूज़ मेरे पास आते हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ में बताया हुआ है। और अगर नीचे की बात करेंगे फेस रूम का, तो ये बहुत बड़ा इसमें बॉस मिल जाता है आपको देखने के लिए, जिसमें वेजिटेबल आप रख सकते हैं बहुत ज़्यादा, पूरे हफ्ते का पूरा वीक का आप इसमें वेजिटेबल बॉक्स जो है इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, सब्जी या फिर कुछ भी आप इसमें फ्रूट स्टोरेज कर सकते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यहाँ पर भी आपको ह्यूमिडिटी का ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ से, ये देखिए कम्फर्ट जोन दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर रखना हो आप यहाँ से रख सकते हैं, बहुत ही बेटर ऑप्शनल दिया हुआ है। एंड अगर नीचे की बात करें तो नीचे के आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के ये ऑप्शन मिलेगा फ्रीजर जोन का, तो फ्रीजर जोन काफ़ी बढ़िया है। और फ्रीजर में आपके चीज़ और मिल जाएगी, एक चीज़ यहाँ से आइस क्यूब के लिए, आइस क्यूब देखते हैं तो बहुत बड़े इसमें आइस क्यूब का लंबा सा एक ये पैटर्न ये डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 जैसे आप इसमें आइस क्यूब इसमें वन टाइम में कर सकते हैं। तो कुछ इसका अलग ही पैटर्न रहता है, कुछ अलग ही डिज़ाइन किया गया है। सो गाइस ये बहुत ही बेटर चीज़ है। अगर हम अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा विद बॉक्स, इसमें अलग अलग चीज़ दिया हुआ, अलग अलग 2 से 6 महीने तक, 8 से 2 महीने तक अलग अलग फोस्ट फ्री सारी चीज़ दिया हुआ है। अगर स्टार रेटिंग बात करें तो स्टार रेटिंग भी इसमें 3 स्टार जैसा दिया हुआ है। और आप इसमें एक नीचे बॉक्स आपको और मिल जाएगा, जो आप ज़्यादा मीट या मटन कुछ भी स्टोरेज करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये गाइस आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। कूलिंग की बात करें तो कूलिंग के लिए आपको यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ से कूलिंग आएगी और साइड में से कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी बेटर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये रैक देखें तो पूरा फ्लैट दिया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं रख सकते। ये कुछ इस टाइप का देखने को आपको मिलेगा बॉस कंपनी के रेफ्रिजरेटर में। और इसमें लाइट की बात करें तो लाइट में एलईडी लाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर लाइट एलईडी रहती है जो पावर सेविंग करती है बहुत अच्छा।
सो गाइस इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाएगी जो मैं आपको बताने वाला था कि अलग से सारी कंपनियां कुछ अलग टाइप के अंडे रखने के लिए जगह देते हैं, बट इसमें कुछ उसने एग का डिज़ाइन, हाफ एग का डिज़ाइन किया हुआ है। ये काफ़ी यूनिक चीज़ बनाया हुआ है, आप कहीं भी इसको रखना चाहो, लाइक यहाँ पर रखना चाहो तो इसको स्टोरेज इस टाइप कर सकते हैं। आपके अंडे जो भी होंगे या फिर एग वगैरह कुछ या टमाटर कुछ भी रखना है, स्टोरेज करना है तो गिरेंगे नहीं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ये मैनेज हो जाती हैं। ये कुछ फीचर्स या कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएंगे इस रेफ्रिजरेटर में। सो गाइस देख सकते हैं आप ये चीज़ है, और यहाँ से पूरा आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, पूरा अनलॉक लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये चीज़ें हैं बॉस के रेफ्रिजरेटर में। सो गाइस कन्फ्यूजन होना अगर आपको लगता है कि बड़ा फ्रीजर लेना है और साइड बाय साइड नहीं लेना है तो बॉस में आप जा सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। इसका रेट मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर ये सारी चीज़ मिल जाएंगे, कुछ कन्फ्यूजन मुझे कमेंट करके बताइए और मैं सारी चीज़ सॉल्व करूँगा। सो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो पे, थैंक यू।